दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं BOYA M1 माइक। जी हाँ दोस्तों, BOYA M1 माइक लेकर के आए हैं, जो कि खासकर यूट्यूबर के लिए तो एक नंबर है, जो एकदम बहुत ही ज्यादा आते हैं स्टूडेंट्स को और भी बहुत सारे लोगों के लिए माइक बहुत ही जरूरी है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि इसमें देखेंगे इसमें कितने सारे फंक्शंस है इस माइक को, कितनी लंबी है इसकी वायर, कैसा है माइक, की सब को आज हम डीपली से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये BOYA M1 माइक जो कि यह पैक है, इसे चलिए खोल करके दिखा देते हैं कि यह किस प्रकार से। देखिए दोस्तों, इसके अंदर और एक बॉक्स निकला, जो कि यह सेफली है, यह अमेजोन के द्वारा डिलीवर किया गया है, जो कि यह बताता है कि इसके मटेरियल बहुत ही बढ़िया है, पर यह कि पोल्यूशन नहीं करता, इसमें ज़्यादा सेफली तो नहीं इसमें है, पर यह एक अच्छा है, स्वच्छ भारत अभियान की तरफ लेकर के जाता है, जो कि पोल्यूशन नहीं करता है। चलिए अब तक बकवास बाद में, यह है BOYA का माइक। अब इसे खोल करके देखते हैं किस प्रकार से है। खुल जा चुका है BOYA का माइक। पुस्तक है, समझ लीजिए कि BOYA M1 को, जिसमें आप इसमें देखेंगे फंक्शंस जो कि BOYA का दिया हुआ है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं या फिर इसे देख करके समझ सकते हैं। तो इसको उधर साइड करते हैं। इधर एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है, पर यह वारंटी नहीं है, आप दुकान से परचेस करेंगे तभी यह वारंटी है। तो चलिए इसको भी अलग कर देते हैं। अब देखते हैं कि BOYA बैग एरा। अब BOYA के बैग में देखते हैं कि इसमें किस तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए निकाल करके दिखाते हैं आपको BOYA का माइक एरा। इसमें के साथ और भी दो चीज़ आते हैं, जो कि एक यह छोटा सा पैकेट, इसमें क्या चीज़ है आप इसको खोल कर दिखा देते हैं। पर उसके साथ ही आपको इसमें आता है एक बैटरी और जैक पिन, जो कि इसमें दिया हुआ है एक जैक पिन और माइक का, जो कि लगाते हैं माइक में वह रुई टाइप करता है वही, और एक बैटरी दिया हुआ जो कि माइक में लगाते हैं, इसे बैटरी यहाँ पर लगाने का फंक्शंस दिया हुआ है। अब इसे फाड़ कर देखते हैं इसमें क्या चीज। तो फाड़ के देखे तो छोटा छोटा दाना निकला, जो कि यह सिलिका जेल भी दिया हुआ है, जो कि यह नमी को सोखता है, यानी कि माइक अगर आपका कभी भींग जाए या फिर कुछ भी तरह से पानी के अंदर में चला जाता है, सिलिका जेल को आप रख दीजिए, इसमें इतने सारे सोखने की क्षमता रहती है कि वह सारे के सारे पानी को वह सोख लेता है। इसमें छोटे छोटे दाने टाइप के रहते हैं, जो कि इसे खा नहीं सकते, अगर आप इसे खा लेते हैं तो मरते नहीं, बल्कि आपके अंदर के आधे पानी को हुआ सोख लेते हैं, जिससे आपके शरीर में पानी की भी कमी हो सकती है। तो अगला वाला फाड़ है, तो इसमें क्या क्या निकला। इसमें एक क्लिप जो कि गास गता सकते हैं, और एक ये जैक पिन जो कि बड़े माइक की जगह पर लगाया जाता है, इसमें आप हेडफोन वाला जैक पिन इसमें लगा सकते हैं और सेट हो जाएगा। और एक बैटरी जो कि इसमें लगाया जाता है, बताते हैं आगे कि किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। और एक है यह रुई। जी हाँ दोस्तों, यह रुई जो कि लगाते हैं, इसको कहाँ पर लगाते हैं या आगे बताते हैं। ये दोस्तों माइक जो कि बहुत ही लंबा 20 फीट वायर है, जो कि बहुत ही लंबा वायर है। अब इसमें सेट करके आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर क्या लगता है। ये रहा दोस्तों, देखिए इसमें माइक के आगे तरफ यह रुई लग जा चुका है। अब इसमें दिखाते हैं कि बैटरी कहाँ पर सेट होता है। देखिए दोस्तों, बैटरी यहाँ पर सेट होता है, जो कि इसे आप खोल करके एक बैटरी लगता है, इसमें आप बैटरी लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ कैमरा और स्मार्टफोन दोनों, तो अगर आप कैमरा में करना चाहते हैं तो कैमरा की तरफ ऊपर कर दीजिए, अगर आप स्मार्टफोन में करना चाहते हैं तो आप स्मार्टफोन की तरफ नीचे कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, बैटरी लग जा चुका है, इसको लगा सकते हैं, फिर ऑन ऑफ आप इसे कर सकते हैं, यह काम करने लग जाएगा। तो आप ये दिखाते हैं कि काम कैसे करता है। फाइनली दोस्तों, सेट हो जा चुका है माइक। तो चलिए दिखाते हैं क्लिप को कहाँ पर लगाया गया। क्लिप को एकदम सटीक माइक के नीचे ही इस क्लिप को लगाया जाता है, ताकि आप इसे कलर में गता सकें। और यह जैक पिन जो कि हेडफोन के जरिए, यहाँ पर अगर आप हेडफोन यूज़ करना चाहते हैं, हेडफोन और जैक पिन जो कि कैमरों वगैरह या फिर बड़े मशीनों में लगाया जाता है, माइक से बोला जाता है, तो उस समय इसको दिया जाता है, जिससे लगा सकते हैं। अब इसके कवर को देख सकते हैं, कवर बहुत ही हैवी है और यह किसी भी तरह का चोट माइक नहीं पहुँचने देता है। तो अब चलिए माइक की टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों फाइनली सेट हो जा चुका है माइक, और इससे आप अगर फ्रेश ऑडियो, जो कि बैकग्राउंड में एक भी जैसा शोर या साउंड नहीं होना चाहिए, तो ये इसके लिए यह माइक एकदम परफेक्ट है। अगर आप कैमरा में वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हो सकता है, पर स्मार्टफोन में अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन का नाम है ओपन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन में आपको एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन वहाँ पर दिया हुआ रहता है, उसमें आपको ओके करना पड़ेगा, उससे ही आप
ऑडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वरना सिस्टम वाले कैमरा में ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है, जिसकी वजह से नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग एक्सटर्नल बाहरी से हो सकता है, वह सिस्टम के ऑडियो माइक्रोफोन से ही हो सकता है। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन में डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।